खबर रीवा से है, जहां अग्रवाल समाज भवन में अग्रवाल समाज एवं अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन रीवा के द्वारा आगजा अग्रवाल को मध्य प्रदेश सिविल सेवा सर्विस में 29वीं रैंक प्राप्त कर सिविल जज की गरिमा में उपलब्धि प्राप्त करने पर उनके रीवा प्रयास के दौरान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम मंदिर समिति द्वारा कुल देवी माता महालक्ष्मी मंदिर में प्रत्येक माह की तरह इस माह भी महाआरती एवं महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। तत्पश्चात संस्था के जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने आगजा को पुष्प गुच्छ से अभिनंदन करते हुए केक कटवाते हुए अग्रवाल समाज रीवा के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील अग्रवाल, मंत्री नूतन अग्रवाल के साथ अग्र गौरव सम्मान पत्र प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। अग्रवाल समाज रीवा के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सिविल जज के रूप में आगजा अग्रवाल का चयन अग्रवाल समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। जहां एक साथ 800 से 1000 बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं, उसमें से 29वीं रैंक प्राप्त करना बहुत ही गर्व की बात है। यह उनकी भरपूर मेहनत, लगन एवं उस कार्य में समर्पित होने के कारण संभव हो पाया है। तो वहीं आगजा ने बताया कि मेरे अल्प प्रवास की सूचना मिली, तत्काल अग्रवाल समाज रीवा एवं अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा मुझे अग्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इस स्नेह के लिए अभिभूति हूँ एवं अन्य अग्र बंधुओं को प्रेरित करते हुए अपने करियर के बारे में बताया कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल दुधीचुआ सिंगरौली से हुई। फिर वर्ष 2013-18 तक मैंने वनस्थली विद्यापीठ से BA LLB का 5 वर्ष इंटीग्रेटेड कोर्स किया एवं वर्ष 2019 से सिविल जज एग्जाम की तैयारी में लग गई। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश शासन में 29वीं रैंक के सिविल जज के रूप में चयन हो गया। आज अग्रवाल समाज रीवा एवं अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा आपको अग्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, इसके लिए आप क्या अपने विचार व्यक्त करेंगी? जी, सभी को नमस्कार। और मैं बहुत बहुत प्रसन्न हुई कि उन्होंने बहुत ही कम समय में, जैसे ही अग्रवाल समाज और अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन को सूचना मिली, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस को है वो भी सुना, और वहाँ पे जो बच्चे थे उनको भी कहीं ना कहीं एक आसना दी कि वो आगे जाके अपना फ्यूचर सिविल जज में कर सकें। आपने इसकी तैयारी कैसे और कब शुरुआत करी? आप अपने शिक्षा के विषय में जो है जानकारी दीजिए, ताकि आगे आने वाले बच्चे जो है उस पर जो है चल सके और उनको मार्गदर्शन के रूप में कुछ अपने दो शब्द व्यक्त करें। जी ज़रूर। अगर मैं शुरुआत करूँ तो मेरी हायर सेकेंडरी स्कूलिंग जो है 12वीं तक वो मेरी DAV दुधीचुआ सिंगरौली से हुई थी। मैंने वहाँ पे 11वीं 12वीं में कॉमर्स विषय चूज़ किया था। उसके बाद मैंने वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से 2013 से 2018 के बीच में BA LLB का 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया, और ये मेरा 2018 में ख़त्म हुआ। और उसके बाद से ही मैं सिविल जज की तैयारी में लग गई थी, और ये मेरा दूसरा प्रयास था जिसमें मेरे को सफलता हासिल हुई।